सो इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ हम थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन गॉस लॉ की बात करेंगे, उसके अलावा हम ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। सिर्फ जनरली इस प्रेजेंटेशन में हमने सारे फॉर्मूले बताने जितने भी रिलेटेड है गॉस लॉ से। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज आ जाए तो उसका फॉर्मूला था इज इक्वल टू क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। ठीक है, वैसे तो ये सारे फॉर्मूले हमने ट्वेल्थ में भी कहीं ना कहीं पढ़े हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज आ जाता है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बड़ी बार हमने ट्वेल्थ में ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, सो इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाय आर हो जाएगी। ठीक है, सो ऊपर एक आर मल्टीप्लाई हुआ है, नीचे कैपिटल आर मल्टीप्लाई हुआ। अगर नॉर्मल फॉर्मूले से देखें तो नीचे ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर नॉर्मल रहेगी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, जबकि आउटसाइड में आर, आर हमारा स्मॉल आर अगर इनसाइड है तो इतना होगा, ऑन द सरफेस है तो इतना होगा, एंड आउटसाइड है तो इतना होगा। ठीक है, स्मॉल आर वेरी कर रहा है ना, इनसाइड के लिए स्मॉल आर छोटा होगा अंदर होगा, सरफेस के लिए इक्वल, एंड आउटसाइड के लिए बड़ा होगा लेकिन स्मॉल आर होगा। ठीक है, सो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसके अगली प्रेजेंटेशन में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक।